हाँ जाते था शाम को आता बाप गरीब आदमी से चल गया तो उसके पास किसकी शादी थी कहाँ पे वो कमजोरी है परिवार की। परिवार ने कुछ दिन पहले ही, ये परिवार बहुत ही गरीब है और परिवार की स्थिति बहुत खराब है, टावर है छोटे। आप भी काम करते थे कुछ? काम करते थे इस उम्र में भी बट्टे पे काम। इन्हीं को उनकी शादी करनी है, एक छोटा बेटा है जो अभी पढ़ता है और इनके आज ना नमस्कार करने का मन करता है ना ही कुछ बात है। ऐसी बड़ी ही दुखद घटना है, सीकर जिले के सिरमाधोपुर में छीला वाले में जो दुखद हादसा हुआ था, 5 लोगों की उस हादसे में मौत हुई थी। ये घर भी वही घर है जो उस हादसे के बाद उजड़े हुए हैं। बात करेंगे इसी परिवार के रहने वाले पप्पू जी वर्मा और बजरंग वर्मा, और पप्पू जी के साले भी उस हादसे में, उनकी भी मौत हो गई थी। परिवार को जैसे ही सूचना लगी, परिवार के पैरों से नीचे जमीन खिसक चुकी थी। बात करेंगे, दोनों परिवार हैं, चाचा भतीजा इसी परिवार के थे। चाचा भतीजा दोनों मजदूरी करके वापस अपने घर आ रहे थे, परिवार में कमाने वाले थे तो वो दोनों ही थे। बात करेंगे उनके बाद जाने के बाद अब परिवार पे दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा है कि उनके 75 साल के बूढ़े पापा जी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार में महिलाएं हैं। कल गमगीन माहौल में चाचा भतीजे का एक ही चिता पे अंतिम संस्कार किया गया। अभी मैं हूँ बागरियावास और बागरियावास के पंचायत समिति सदस्य हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिवार में अब कमाने वाला कौन है? परिवार में कमाने वाला कौन है? जो थे वो तो चले गए। अब एक बाप है उसका, बूढ़ा है बेचारा, वो तो वैसे मरा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं है। बजरंग की शादी भी 20 दिन पहले ही हुई। बजरंग की शादी अभी 25 तारीख को हुई थी, 20-21 दिन ही हुए हैं अभी और ये घटना हो गई। उनके बच्चे की मेहंदी की हाथी नहीं सूख, मेहंदी नहीं सूखी अभी तो, क्या है बताओ। कहाँ जाके आए थे राजू जी वो? और इंग्लिश फैक्ट्री में काम करते थे, मजदूर करके साल से काम 5-6 साल हो गई वहीं पे जाते। हाँ, शाम को वापस आ रहे थे, छीला वाले के पास एक्सीडेंट हुआ था। बाइक से हमेशा ही जाते थे या उसी? हाँ हमेशा ही, तीनों एक ही बाइक पे? नहीं, अलग अलग जाते थे, दो बाइक पे जाते थे वो दोनों पे अलग अलग। चाचा भी सही जगह था, वो एक तरफ एक मोटरसाइकिल पे जाते, अलग अलग दोनों जाते थे। अब परिवार में कमाने वाला तो अब तो फिलहाल तो कोई नहीं, कोई स्रोत नहीं। चाचा जी पूछना नहीं चाहता, आपके भाई हैं कितने साल से फैक्ट्री में काम करते थे? 5 साल से। 5 साल से बजरंग आपका ही बेटा? हाँ। सबसे बड़ा बेटा। कुछ दिन पहले ही शादी की थी, अब कितनी बेटियां हैं आपके? और 3 की शादी कर दी, 2 और है। 2 कुंवारी है। हाँ। छोटा बेटा और है? छोटा। आप भी काम करते थे कुछ? काम करते थे इस उम्र में भी बट्टे पे काम। अब जब कल के बाद में कोई आपको पूछने के लिए आया, सरकारी सहायता कुछ मिली परिवार में? कोई कमाने वाला नहीं? नहीं मिली बेटे, कुछ भी नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बहुत ही दुखद घटना है, कोई मैसेज आया? आया होगा, मेरे को तो नहीं पता, कोई सहायता नहीं। अनपढ़ आदमी, मैं नहीं पता कौन सा। बहुत ही दुखद घटना है, अगर अधिकारी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस परिवार में अब जो कमाने वाले थे, इनके बेटे बजरंग और इनके भाई थे, अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। सरकार के नुमाइंदों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस हादसे ने इस परिवार को उजाड़ दिया है, अगर कोई सरकारी हेल्प अगर इन्हें मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। इनके परिवार में 2 इनकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं जिनका भी, इनको अब जो कमाने वाला बेटा था वो इस दुनिया से जा चुका है, इन्हीं को उनकी शादी करनी है। एक छोटा बेटा है जो अभी पढ़ता है और इनके भाई हैं, उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उन्हें यही नहीं पता है कि हमारे पिताजी कहाँ गए। तो तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपसे जैसा भी बन पाता है, अगर आप इस परिवार को 1 रुपये भी देंगे तो वो 1,00,000 रुपये के बराबर है। आपसे जैसा भी बन पाता है आप सहयोग जरूर करें। जब भी मैंने आपको किसी भी परिवार के लिए कहा है आपने भरपूर सहयोग किया है, इस परिवार को भी आप जैसा भी सहयोग आपसे बन पाता है 10-20-50 ना तो मेरा वीडियो बनाने का मन करता है, मजबूरी है मेरी, चाहता हूँ कि इस परिवार को, इस बूढ़े दादाजी को कुछ सहयोग मिल जाए तो ये अपनी बेटियों को पढ़ाई कर देंगे। चाचा जी परिवार है, पहले से कैसे जीवन यापन करता था? क्या करते थे आप? हम रोटी रोजगार करते हैं, खाते हैं, मजदूरी करते हैं, भट्ठे पे काम करते हैं।
और यही दो कमाने वाले थे और यही दोनों चले गए। अब ये इसका बाप भी देख लो और भाई देख लो, ये स्थिति हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं है। आपके बजरंग सर कैसे आपको हुआ कि परिवार की सहायता की जाए? ये परिवार बहुत ही गरीब है और परिवार की स्थिति बहुत खराब है और हमारे गांव में सबसे गरीब परिवार है। और कौन सी गांव के हो आप? बागरेवास गांव है हमारा। कौन सी विधानसभा क्षेत्र? ये विधानसभा श्री माधोपुर। श्री माधोपुर ग्राम जी। पंचायत बागरेवास। बागरेवास ग्राम पंचायत सरकार की तरफ से कोई कभी हेल्प का कोई कुछ भी इनको सहायता नहीं मिली? कोई भी किसी भी तरफ प्रकार की मदद नहीं मिली? कभी सरकारी प्रतिनिधि भी नहीं आया अभी तक? कोई भी नहीं आया। अब आप जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं ये बहुत ही बेहद गरीब परिवार है और हाथ जोड़ के निवेदन है इस गरीब परिवार की मदद करें सब ज्यादा से ज्यादा। परिवार में ये जो कमाने वाला एक ये 20 साल का बच्चा था, खुद पढ़ाई करता था और कमाता भी था, और एक इनके चाचा, इन दोनों से परिवार चलता था। बाकी ये बुजुर्ग है, इनके पिताजी पप्पू जी के बड़े भाई, इनकी 75 साल की उम्र है, अब कमाने लायक है नहीं और स्थिति बहुत ही गंभीर है परिवार की बहुत ज़्यादा। बजरंग जी और पप्पू जी इन्हीं मकानों में रहते थे, जैसे तैसे अपना गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। 20 दिन पहले शादी थी, बजरंग ने सोचा क्यों ना ये दो मकान बना दिए जाएं ताकि वो अपना अपने भाई बहनों के साथ यहाँ रह सके। पास के ही मकान में उनके चाचा जी रहते थे। परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, कमाने वाले तो कोई बचे नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बजरंग की बहनें हैं, एक उनका भाई और दो उनके चाचा के लड़के, पांच छोटे छोटे परिवार में वो हैं, एक उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, दो उनकी बहनें। बड़ा ही दुखद बात करें तो दुखद घटना है ये हादसा, सड़क हादसा। कब कितना बड़ा गहरा जख्म दे जाता है इस परिवार को। अब परिवार में 9-10 लोग हैं, उनके पास कमाने वाले हैं तो 75 साल के बजरंग के पिताजी हैं, अब और कोई कमाने वाला है नहीं। ना तो मेरा कुछ पूछने का मन करता है ना ही कुछ, लेकिन मजबूरी है मेरी। इन्हीं के फोन पे नंबर है, उन पे आप कुछ सहयोग भेजेंगे, इन्हीं के पास पहुंचेगा। सब परिवार है, इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। ना तो वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन करूं भी तो क्या करूं। अब परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं। बजरंग है, कब उसकी शादी? 25 दिसंबर की उसकी शादी, 25 नवंबर की उसकी शादी थी। कहाँ पे वो कमाने के लिए गए थे? वो यही कंपनी में काम करते थे, शीर दूध की कंपनी थी, वही काम पर जा रहे थे। मेरे चाचा जी थे और उनका साला मेरे मामा जी, वो भी उनके साथ थे। कब परिवार को सूचना लगी थी कि वो हादसे में? वो शाम को 6 बजे 7 बजे घर पहुंचते थे, जब 7 बजे नहीं आए तो इनको टेंशन हो गई, 7 से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं। फिर इधर उधर सुलबुलाट होने लगा, तब पता चला भाई एक्सीडेंट हो गया। फिर ऐसे पता नहीं चला भाई किन का हुआ, कोई कहता एक का हुआ, कोई कहा दो का, कोई तीनों का। बड़ी दुखद घटना है। परिवार में जो मेरी दोनों बहने हैं, छोटे छोटे भाई है, इन बच्चों की मम्मी और ये गुड़िया भी उसी दिन फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे। मजबूरी है परिवार की। परिवार ने कुछ दिन पहले ही एक बहन की और एक भाई की शादी की थी, जैसे तैसे कर्जा लेके ये सब लोग काम पे से वापस आ रहे थे। ये बहनें और इनकी चाची जी हैं, वो पहले ही घर आ चुकी थी, लेकिन वो लोग बाइक से आ रहे थे। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस परिवार ने बहुत ही बड़ी खुशियां परिवार के लिए कही थी। इनके परिवार में इनकी नई भाभी आई थी, नए रिश्तेदार बने थे, लेकिन वो तो सब 20 दिन में ही सिमट गया। परिवार में जो कमाने वाला था बजरंग, वो तो कल इनके चाचा के साथ उनका अंतिम संस्कार करके आ गए। अब परिवार पे जो दुखों का पार टूटा है वो सबके सामने है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुड़िया के फोन पे नंबर है, इन्हीं नंबरों पे आप फोन पे करें, किसी और नंबर पे फोन पे ना करें। गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं में। 10वीं में। फोन पे नंबर कौन से है आपके? 77-27-95-006। और खाताधारक का नाम क्या है? रेखा वर्मा। कौन है रेखा? मेरी दीदी। उनका नंबर है। और अकाउंट नंबर कौन सा है? 36-28-50-50-33। कौन से बैंक में खाता? सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में। आप भी काम पे जाते थे? हाँ जाते, उस दिन भी गए थे? हाँ जाते थे। परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है? मेरा भाई था, वो भी चला गया। अच्छी जी, कहाँ पे वो कमाने के लिए गए थे, क्या काम करते थे?
वो रिंगस जाता रिको में, दूध की फैक्ट्री में काम करता। अच्छा। सुबह जाता शाम को आता, बाप रे गरीब आदमी से आपको गुजारो करता, दो बच्चा था और बजरंग की कितने भाई? बजरंग और दो भाई था, बहन पांच। तीन की शादी कर दी। पहले से परिवार गरीब था, कैसे जीवन? वो तो गरीबी में ही चार गरीबी में ही गुजार रहे थे। अब थोड़ा सा उठाता तो ये शादी के पहले दो कमरा बनाया और दो बहन की शादी में तो वो तो रहा ही नहीं। 25 नवंबर की उनकी शादी थी और वो तो 22-23 दिन बाद ही चला गया। अब परिवार में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला वो बाप तो पहले बीमार रहता था और अब रहती फेती में और बीमार हो गया। उसका तो धरती से ही छूट गया, बेटा ही चला गया तो उसके पास काई। आपको क्या लगता है बजरंग? मैं दादी लगती हूँ, पड़ोस में दादी लगती हूँ, पास में ही। तो हम कोई, किसी ने कोई सहायता कोई करने की सोची? अब सहायता तो देखो सभी करेंगे तो तभी सहायता होली, नहीं तो काई सहायता होली? तो कोई सोचे लो बोलो आदमी जना ही सहायता होली, नहीं तो फिर काई सहायता होली? कोई भी नहीं है उसके पास, आप भी कुछ भी सहायता करो इसकी। बुढ़िया हिम्मत रखो ना, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तो बोल रही हूं। आपके चाचा ताऊ कितने लोग हैं? भाई चाचा ही तो नहीं है, आप हिम्मत रखो। बड़ी दुखद घटना है, जैसे ही भाई का नाम आता है बहिने हैं वो रो रो कर इनका बुरा हाल है। मजबूरी है मेरी, ना तो मैं वीडियो बनाता ना आपको कुछ दिखाता, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी मैंने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ा है आपने भरपूर सहयोग किया है। इस परिवार को भी आप सहयोग करें, अगर आप इनको 1 रुपए भी भेजेंगे तो 1,00,000 रुपए के बराबर है। परिवार में 5-6 छोटे छोटे भाई हैं, 2 मेरी बहनें हैं, उनकी परिवार शादी भी करेगा। मजबूरी थी, परिवार ने 2 की ही शादी की थी। गरीब परिवार है, कमाने वाले बजरंगी था जो पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था।